स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स के बारे में. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टीरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स हैं क्या. लिपिड्स का एक ग्रुप है जिसे स्टीरॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है. और लिपिड्स हमें पता है क्या है. लिपिड्स को आम जबान में फैट्स भी कहते हैं. और ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. इसका मतलब है कि स्टीरॉइड और कैरोटीनॉइड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है. यहाँ पर ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये किस चीज़ की है? ये स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर हमारे सामने बताया गया है. इसका मतलब है कि जो स्टीरॉइड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स में क्या चीज शामिल होती हैं? उनकी स्ट्रक्चर में कार्बन की रिंग्स शामिल होती हैं. यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद तो होते हैं, लेकिन वो इस तरह से रिंग्स की शक्ल में मौजूद होते हैं. अब अगर आप इन रिंग्स की बात कर लें, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये टोटल चार रिंग्स मौजूद हैं इसमें. और इन चार में से ये जो तीन हैं, ये सिक्स साइडेड हैं. सिक्स साइडेड का मतलब है कि ये जो तीन हैं, इनके छह कॉर्नर्स हैं. ये वाली जो है, ये वन टू एंड थ्री, ये जो है ये सिक्स साइडेड हैं. और ये जो फोर्थ वन है, ये क्या है? ये फाइव साइडेड है. यानी कि इसके फाइव कॉर्नर्स मौजूद हैं. इसका मतलब है कि चार जो रिंग्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, यानी कि इंटरलॉक होती हैं. और वो क्या बना देती हैं? ये स्टीरॉइड्स बना देती हैं. अब ये स्टीरॉइड्स जो हैं, ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं. अगर हम बारी बारी इनके यूजेज देख लें कि ये किस तरह से स्टीरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्टीरॉइड स्ट्रक्चर बनाने में किस तरह से काम करते हैं. हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. अब अगर हम एनिमल्स के सेल की बात कर लें, तो एनिमल की सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन. और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो फोर रिंग का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है कोलेस्ट्रोल. और ये कोलेस्ट्रोल क्या है? ये कोलेस्ट्रोल जो है, जो सेल मेम्ब्रेन में उसकी मौजूद है, ये क्या है? ये एक स्टीरॉइड है. इसके अलावा यहाँ पे आप अपने सामने ये स्ट्रक्चर्स देख रही हैं, ये क्या हैं? ये हार्मोन्स हैं. और हार्मोन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं. यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें, तो इंसानों के अंदर भी हार्मोन्स मौजूद होते हैं. प्रोजेस्ट्रॉन जो है, ये फीमेल हार्मोन है, यानी कि फीमेल्स के अंदर होता है. टेस्टोस्टेरॉन जो है, ये मेल्स के अंदर होता है. और एस्ट्रोजन जो है, ये भी फीमेल के अंदर होता है. इसका मतलब है कि इस तरह के ये जो हार्मोन्स हैं, ये क्या हैं? ये स्टीरॉइड्स हैं. और ये हमारी बॉडी में मौजूद हैं, यानी कि मेल्स के अंदर भी मौजूद हैं और फीमेल के अंदर भी मौजूद हैं. इसके अलावा ये जो स्टीरॉइड हैं, ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. यानी कि जो हम खाना खाते हैं और वो खाना जो हज़म होता है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं. अब खाने के हाजमे में किस तरह से ये हेल्प करते हैं? कि हमारे जो स्टमक है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक पार्ट है बाइल. बाइल जो है, उसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है बाइल एसिड. और ये जो बाइल एसिड है, अगर हम इसकी बात करें, तो ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से ही फोर रिंग्स इसकी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. और इसकी वजह से हमारा खाना जो है वो हजम होता है. इसका मतलब है कि जो स्टीरॉइड बाइल एसिड वाला है, वो हमारे हाजमे में मदद देता है. इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें, तो हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन डी जो है वो हम लेते हैं. मुख्तलिफ जो हम खुराक खाते हैं, उनमें विटामिन मौजूद होते हैं. अब इसमें से जो विटामिन डी है, अगर हम उसकी बात करें, तो विटामिन डी का क्या काम होता है? ये हमारे जिस्म में जो कैल्शियम होता है, जो कि हमारे टीथ में मौजूद होता है, हमारी बोन्स में मौजूद होता है, उसको रेगुलेट करता है. यानी कि विटामिन डी कैल्शियम की रेगुलेशन में हेल्प करता है. और ये जो विटामिन डी है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो वो भी इस तरह से, उसकी स्ट्रक्चर में भी चार रिंग्स मौजूद हैं. और ये विटामिन डी एक स्टीरॉइड है. इसका मतलब है कि स्टीरॉइड्स जो हैं, वो स्ट्रक्चर बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन वगैरह, और रेगुलेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं. अब अगर हम कैरोटीनॉइड्स के बारे में देख लें कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो क्या हैं, तो कैरोटीनॉइड्स का यहाँ पर आप अपने सामने स्ट्रक्चर देख सकती हैं. कैरोटीनॉइड्स भी यहाँ पर आप देख सकती हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन भी इसके अंदर मौजूद होता है. लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो स्टीरॉइड थे, उसमें सिर्फ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो थी वो मौजूद थी. लेकिन जो कैरोटीनॉइड्स हैं, उनमें क्या होता है कि कैरोटीनॉइड्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है और दूसरी यहाँ पे मौजूद है, और बीच में ये चेन भी मौजूद है. इसका मतलब है कि इसमें जो है वो चेन्स भी मौजूद होती हैं और रिंग्स भी मौजूद होती हैं. और ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो ये पिगमेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं. पिगमेंट्स जो हैं वो कलर देते हैं. अब ये कलर जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. जो प्लांट के पिगमेंट हैं, जो पौधों के अंदर मौजूद होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, तो उनकी ये ग्रुपिंग की गई है. कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं.
और ये जो प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स होते हैं इसका नाम है एंथोसायनिन, और ये कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है और पर्पल कलर देता है, यानी कि जो जामुन है अगर हम उस फ्रूट की बात करें तो उसमें प्रोटेक्टिव पिगमेंट मौजूद होते हैं। कुछ पिगमेंट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं? ये वो पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब इस प्रोसेस में जो है वो पिगमेंट जो हिस्सा लेते हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये ग्रीन कलर देता है पौधों में, जो सबस कलर आपको नजर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से है। और एक और जो पिगमेंट है वो क्या है? वो कैरोटीनॉइड्स हैं, जो कि ये कैरोटीनॉइड्स का इस तरह का स्ट्रक्चर है। और कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? ये भी कलर देते हैं, और ये कौन सा कलर देते हैं? ये कलर देते हैं येलो और ऑरेंज कलर का। अब अगर हम बारी बारी इन दोनों फंक्शन को देख लें कि किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और किस तरह से ये येलो और ऑरेंज कलर देते हैं, तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे होता है? प्लांट सेल की एक ऑर्गेनली है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हमारे सामने क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसे कहा जाता है थायलाकॉइड। ये सिक्कों की तरह की चीजें होती हैं और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके क्या बना देते हैं? ग्रैनम बना देते हैं। जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसे इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। और इसके बाहर जो है ये अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक को कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन और एक को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर फोटो सिस्टम मौजूद होता है। फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम जो है उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि जो सूरज की रोशनी होती है उसे जजब करते हैं। उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल जो है ये पिगमेंट है सबज रंग का, ये भी सूरज की रोशनी को जजब करता है। और कैरोटीनॉइड जो है ये येलो या ऑरेंज कलर का है, और ये जो सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है ये इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है तो तब पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि कैरोटीनॉइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी मदद देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये येलो और ऑरेंज कलर किस तरह से देते हैं, तो यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फ्रूट और वेजिटेबल्स दिखाई हुई हैं। अब अगर आप इन वेजिटेबल्स में देखें तो इसमें पाइनएप्पल आपको नजर आ रहा होगा, बेल पेपर नजर आ रहे हैं, टोमेटो नजर आ रही है, कैरेट नजर आ रही है। अब इसमें ये जो टोमेटो में रेड कलर है और कैरेट का ये जो ऑरेंज कलर है ये किस वजह से है? ये कैरोटीनॉइड्स की वजह से है। इसका मतलब है कि कैरोटीनॉइड्स हैं ये कलर भी देती हैं और हमारा जो फूड है उसका भी हिस्सा है। और ये जो ग्रीन कलर है इसमें भी जो है ये पिगमेंट मौजूद है, लेकिन इसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसका मतलब है कि जो स्टीरॉइड और कैरोटीनॉइड्स हैं वो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर में भी अहम किरदार अदा करते हैं, फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। ये तो था स्टीरॉइड और कैरोटीनॉइड्स के बारे में, जो कि लिपिड्स का एक ग्रुप है जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।